हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 22 मई। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। नव वृंदावन, 22 मई 1969। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा, जितना चित्त शुद्ध होते जाए उतना निष्ठा बढ़ती है। ये भागवत में बताया, सिन्नदान सकता कृष्ण पुण्य सुमन पीत अवद्राणी विधुनति सुहित सता। भगवान सबके लिए सुहित है, श्रीदंग सर्वभूतान, परंतु सता जो भक्त है उनके लिए विशेष सुहित। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हुए है। भगवान जब देखेंगे कि जो भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है तुमको हृदय में बैठ करते हैं, विधुनति अवद्राणी, अवद्राणी ये लोभ और काम, काम और लोभ ये दो चीज अवद्र चीज, इसको नाश कर देते भगवान। सिन्नदान सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंत हृदय में है। माया की संस्रव होने से हमारा हृदय अपवित्र है। ये काम और लोभ रजोगुण तमोगुण ये हमारा हृदय में बैठ गया। ततो रजस तमो भावा कामो लोभा दस, रजगुण तमोगुण का ये लक्षण है काम और लोभ, अत्यंत लोभ प्रयास। हमको दो रोटी मिलने से काम चल सकता है, ताकि हमको 10 रोटी चाहिए, इसलिए दिन भर हम इधर उधर घूमते, दो रोटी में समझते हैं। क्यों? वो काम और लोग अभी तक हृदय में बैठे हुए हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनकर। इस तरह से रुचि निष्ठा फिर जाकर के आसक्ति, उसका बाद भाव, उसका बाद भगवत प्रेम, साधुका नाम प्रेम नो प्रादुर्भावी भवित क्रम। तो वास्तविक ये चीज जो है भगवान में इस तरह से आसक्ति बढ़ती है। ये जो ज्ञान है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं, ज्ञानम ते हम अविज्ञान, विज्ञान और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है थियोरिटिकल, ब्रह्म ज्ञान ये थियोरिटिकल है, और अविज्ञान भक्ति। ब्रह्म ज्ञान हम समझ गया अहम ब्रह्मास्मि, केवल समझने से काम नहीं चलेगा, स्वविज्ञान उसको काम में ले आना चाहिए। काम में नहीं ले आने से फिर हमारा पतन हो जाएगा। आरुज पिछे न परम पदम तप पतंती अध, बहुत परिश्रम करके तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए भी वो फिर गिर जाते हैं, पतंती अध। क्यों? अनाधिक जुस्मत अंग है। ये ब्रह्म ज्ञानी लोग भगवान का चरण जो है उसको अनादर करते, भगवान निराकार उनको चरण नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अनादित जुस्मत अम्र आरुज पिछे न परम पदम तत पतंती अध, इसलिए विज्ञान जो है वो भगवान को समान। ज्ञानम सभी ज्ञान भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सभी ज्ञान, सभी ज्ञानम इदम बक्षानी अशेष, मैं तुमको बता रहा हूं। तो वास्तविक भगवान का विषय है भगवान से ही मालूम हो सकता, स्पेकुलेशन करने से मनोधर्मी भगवान ऐसी है भगवान ऐसी है नहीं। भगवान जिस तरह से है तो भगवान स्वयं आकर के समझाते हैं, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान। तो फिर उनका विषय है कल्पना करने की क्या जरूरत है,
मायावादी लोग कहते हैं कल्पना कर, ब्रह्म का कल्पना, कल्पना का क्या जरूरत है, जब भगवान साक्षात सामने मौजूद है। इधर जो आप लोग सब दर्शन करने को आते हैं, भगवान को ही तो दर्शन करने को आते हैं ना, और कोई चीज दर्शन करने को आते हैं। जब भगवान को स्वयं भगवान इधर मौजूद है, फिर हमको कल्पना करने का क्या जरूरत है, यही अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। जो ब्रह्म को कल्पना है, ब्रह्म का कोई कल्पना कर भी सकता है क्या, नहीं। इसलिए भगवान कहता है ज्ञानम तेहम सभी ज्ञान, आप लोग जो सब ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी, तो सभी ज्ञान विज्ञान सहित इसको सुनिए। ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम भक्ष्यामि आशीष जजज्ञत्या। यदि वास्तविक भगवान को आप समझ लिया, जजज्ञत्या ज्ञान, भगवान को समझना तो साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके जब समझाते हैं तो तब हम लोग को कुछ मालूम होता है। स्वामेव स्फुरत्व सेवन मुखे ही जीवाद, स्वामेव स्फुरत्व, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है, इस इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का परिकर वैशिष्ट, ये जनेन्द्रिय द्वारा समझा नहीं जाता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो। यदि हम लोग जिह्वा को भगवान का सेवा में नियुक्त करता हूं तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं, उसका नाम विज्ञान सभी ज्ञान। और भगवान को समझने से सब ज्ञान लाभ है, जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भव। इसलिए भगवान कहते हैं जजगात्या नेह भूय अन्नज ज्ञातव्य मम शिष्यते। और को जानने के लिए आवश्यकता है, भगवान अद्वैज्ञान भगवान ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, एक ही वस्तु है, जो अपना समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से कोई भगवान को ब्रह्म रूप से उपलब्ध करता है, कोई परमात्मा रूप से, और कोई स्वयं भगवान। जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को समझने चाहते हैं, इसलिए उसको निर्देशेष निराकार ब्रह्म का उपलब्ध। योगी लोग सब समय भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी, भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं। और भक्त लोग साक्षात गजेन्द्र नंदन हरि कृष्ण को देखते हैं, प्रेमानन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन। जिसका भगवत प्रेम है वो 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते और कुछ नहीं देखते। चैतन्य चैतन्य बताते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्त सर्वत्र स्फुर तार इष्ट देव मूर्त। जो भगवत प्रेमी है वो कोई भी चीज देखता है उसका भगवान का स्मरण होता है, भगवान को देखता है। स्थावर जंगम कोई पेड़ भी देखता है, कोई हाथी भी देखता है, कोई मनुष्य भी देखता है, पंडिता समदर्शी वो देखता है जो भगवान के साथ सर्वेदम अखिलम जगत पर सब ब्रह्म न शक्ति। भगवान के शक्ति प्रकृति का विस्तार है असल में भगवान के। इसलिए भगवत प्रेम आसक्ति बढ़ानी चाहिए, सब समय भगवान का दर्शन। प्रेमान छुड़ी तो भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय यम श्याम सुंदरम अचिंत पुनः स्वरूप गोविंद आदिकुंठम तमाम हो जाता। ब्रह्म संहिता जिसका भगवत प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। हरे कृष्ण।
भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षेर जयं कृष्णा न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हमने बताया कि अर्जुन 5 अलग अलग तर्क देता है कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और सारे शास्त्रिक हैं। अर्जुन जो है वो धर्म शास्त्र से ही बोल रहा है, वो बोल रहा है दुर्योधन और ये सब अर्थशास्त्र और नीचे के हैं, फिर धर्म शास्त्र है, लेकिन कृष्ण भगवद गीता सुना रहे हैं जो भक्ति शास्त्र है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या सोचता है कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं वन में चला जाऊंगा। देखिए, एक बात तो है नहीं लड़ना, तो क्या अपना कर्म नहीं करने से हमें सुख मिलता है? क्या आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति को ये पता लगाना चाहिए कि उसका असली लाभ किसमें है। लाभ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता, लाभ अच्छी नींद लेने से नहीं होता, लाभ फॉरेन टूर करने से नहीं होता, लाभ होता है जब आत्मा आनंद प्राप्त करती है, उसको लाभ कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, ना ते विदु स्वार्थ गतिम है विष्णु। ये नहीं समझ रहे हैं संसार के लोग कि हमारा असली फायदा या लाभ किसमें है, भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त करने। क्योंकि आत्मा को फुल जो चार्जिंग होगा वहीं से होगा। तो यहां कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम लड़ो, युद्ध करो। एक तो अर्जुन, ये तुम्हारा ड्यूटी है, तो तुम क्षत्रिय हो, तुम भीख नहीं मांग सकते। अर्जुन बोलता, नहीं मैं भिक्षा मांगूंगा। मान लीजिए, अब क्षत्रिय का अपना स्वभाव है, भिक्षा मांगने जा रहा है। अभी भिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, सन्यासी क्यों? क्योंकि उसमें झुकना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। गरीब है इसीलिए नहीं मांग रहे हैं वे। अब क्षत्रिय तो झुकना वो नहीं है, उसके स्वभाव में ही नहीं। और ब्राह्मण जाएगा कहीं भिक्षा मांगने, मिली मिली, नहीं मिली वापस आ जाएगा। वो 10 लोगों के पास जाएगा, एक भी अगर व्यक्ति भिक्षा नहीं देगा, नो प्रॉब्लम, ब्राह्मण घर आ जाएगा, पानी पी के सो जाएगा, नहीं खाना मिला, नहीं मिला। अब अर्जुन एक क्षत्रिय हो जाएगा, और मान लीजिए कोई बोलता है कि रुको ला के देता हूं, और गया अंदर और थोड़ा लेट हो गया, तो अर्जुन तो अपना तलवार निकाल लेगा, धनुष बाण निकाल देगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। तो इसलिए अर्जुन गलत कर रहा है। अब भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, उससे बड़ी ड्यूटी क्या हो सकती है? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तीसरे अध्याय में, जब हम कर्मयोग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि हम कर्मयोगी हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं कर्मयोगी हूं, ठीक है, तो कर्मयोग का पहले मतलब समझिए। कर्मयोग उसको कहते हैं जो भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वो कर्मयोग है, और करने वाले को कर्मयोगी कहते हैं। सिर्फ मेहनत करने पर, ठेला खींच रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, फ्लाइट चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, घर चला रहा है, उसको कर्मयोग नहीं बोलते। और भगवान कहाँ है? योग मतलब कनेक्शन, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन। तो अभी तो आप सिर्फ कर्म का, एक्चुअली कर्म भी नहीं कर रहे हो। कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में बताया गया हमारे लिए वो करना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, मेडिकल स्टोर में जाता है, वो दवाई लेता है, और उसको कुछ दवाई और अच्छी लगती है, वो कलरफुल दवाई है, वो शाइनिंग कर रही है, वो मुझे अच्छा है, वो देता है। तो जो डॉक्टर ने बोला है वो लेने से ठीक होगा या फिर अपनी मर्जी से दवाई लेने से ठीक होगा? डॉक्टर ने बोला,
तो कर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र बता रहे हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं कर्म। अपने मन से करने वाला को कर्म नहीं कहते, विकर्म कहते। तो ये तो कर्म भी नहीं है जो हम संसार में कर रहे हैं, वो भी शास्त्र अनुसार कर्म है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अभी नए नए कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, कोरोना का एक और वेरिएंट आ गया, फिर नॉर्म्स बनते हैं, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। तो वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, शास्त्र है, शास्त्रों के नियम अनुसार हम चलेंगे तो अच्छा है, हमको फैसिलिटी मिलेगी। नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, नियम तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। गलत क्या है जी, हर जगह वही नियम है। बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है तो टीचर भी दंड देती है, घर में माता पिता भी उसको दंड देते हैं, और उसका करियर खराब होता है वो दंड अलग मिलता है। तो ये कर्म हो गया, और जब ये कर्म भगवान से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं कर्मयोग। तो अर्जुन को डायरेक्ट कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो युद्ध करना अर्जुन के लिए अब कर्म भी नहीं है, कर्म योग भी नहीं, अब भक्ति हो गया, डायरेक्ट कृष्ण का इंस्ट्रक्शन हो गया। कर्म योग में तो आप कर्म करके भगवान से जोड़ते हो उसके फल को, लोग देते हैं ना दान दक्षिणा देते हैं भगवान के मंदिरों में, वो कर्म को जोड़ा आपने, लेकिन डायरेक्ट जब भगवान से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, भगवद गीता में दिया है या गुरु से मिल रहा है, प्रामाणिक गुरु से, वो करने को डायरेक्ट भक्ति कहते हैं, जो सबसे ऊंचा है। यहां पे अर्जुन को मौका मिल रहा है भक्ति करने का, और वो कर्म भी नहीं विकर्म में जाना चाहता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो हमको भी जीवन में समझना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जो भगवान ने कहा वही शास्त्रों में लिखा है, और प्रामाणिक गुरु को पालन करें, उनके अनुसार चलें, तो हमारे जीवन में क्या होगा, फैसिलिटी मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, क्लेश धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्ण।